हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी और इस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर सिक्स जनसंख्या को आज हम लोग देखने वाले हैं। इस जनसंख्या में सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर करना। और आप लोगों को क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का पूरा आंसर क्वेश्चन आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहां अपलोड किया गया, आप वहां से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनसंख्या। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन क में दिया पश्चिम बंगाल, ख में दिया है महाराष्ट्र, ग में दिया बिहार और घ में दिया केरल। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर राज्य है वह केरल है, ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है कि भारत की औसत आयु संरचना क्या है। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? क्या 64.6 वर्ष, ख में दिया 64.9 वर्ष, ग में दिया 81.6 वर्ष और घ में दिया 70.2 वर्ष। तो भारत का जो औसत आयु संरचना वर्ष है वे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क 64.6 वर्ष। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी तीन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि 2001 की जनगणना में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति थी। यानी आपको बताना है कि 2001 का जब जनगणना हो रहा था तो उस समय 1,000 पुरुष पर कितने महिलाएं थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया है 927, ऑप्शन ख में दिया है 990, ऑप्शन ग में दिया है 933 और ऑप्शन घ में दिया है 1,010। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1,000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी, याद रखेंगे 933 महिलाएं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 318 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 288 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा है कि 1951 में, 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वह 3,610 लाख था, 3,610 लाख उस समय भारत की जनसंख्या थी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर टू में कहा है कि भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। आपको बताना कि 2001 में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था भारत में। तो ये 27.78% था, ये आपका उत्तर हो जाएगा 27.68%। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आधा देखते हैं आप लोग को समझ में नहीं आता है और साथ में आपको कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जो भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन, तो आपको बोला ही जाता है कमेंट में, आप सभी कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ऑटोमेटिक जरूरी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि केरल में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है। यानी केरल राज्य जो है भारत में उनमें 1,000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं। ऑप्शन का ऑप्शन वाला तो है नहीं, ये तो लघु उत्तरी है। तो यहाँ 1,058 यानी 58 महिला यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 58 महिला ज्यादा है यानी पुरुषों की संख्या यहाँ पे कम है। बाकी अन्य राज्यों में देखें तो यहाँ महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है कि भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। तो सबसे पहले समझेंगे कि साक्षर क्या होता है। तो हमने लिखा है कि जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे हम लोग साक्षर कहते हैं।
जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़कर या लिखकर समझ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग साक्षर कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% था, और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% तथा महिलाओं की 64.6%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। अभी जो होने वाला 2021 में है, इसकी बात नहीं करा गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पे यानी 10 साल पे एक बार जनगणना होता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे साक्षरता की बात कर रहा था, तो साक्षरता उस किसको कहेंगे, तो 100 में, ठीक है ना, 100 में जितना महिला या जितना पुरुष साक्षर होते हैं, उन दोनों को मिला करके साक्षरता दर निकलता है, ठीक है ना। और साक्षर तो आप समझ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख कर समझ सकते हैं भाषा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि भारत में लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताएं। भारत में जो लिंग अनुपात की विशेषता है उनके बारे में आपको बताना है। तो हमने लिखा है उत्तर में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उनको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। और यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूची है। यानी कहने का मतलब ये जो लिंग अनुपात है, ये दो लोगों के बीच में मापने की यह एक बहुत समानता या उनके बीच में जो सीमा है उनको मापने की यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है, जिससे पता चल पाता है कि कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं। और यहाँ आगे हमने लिखा है कि देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें हमने कुछ दिखाने का भी कोशिश किया है। देख सकते हैं भारत का लिंग अनुपात 1951 से 2011 तक, यानी 1951 में पुरुष 1000 थे तो महिलाओं की संख्या 946 थी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 64, 6 4 10 54 हो गया ना, 54। अब यहाँ से 54 जो पुरुष हैं उनकी ये मतलब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी या क्या स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है। आप यहाँ पे जब भी देखोगे तो महिलाओं की संख्या भारत में कम ही नजर आपको आएंगे। 1961 में देखेंगे तो 41 था, 1971 में तो 930 था, 1981 में 934 था, और 1991 में 929 था, 2001 में 933, और 2011 में 943, और 2021 की अभी जनगणना बाकी है। और महिलाओं की संख्या कम होने का पीछे बहुत तरह की कारण भी है, जिनमें आप देख सकते हो दहेज प्रथा, ये सभी चीज यहाँ पे आपको देखने को कम मिलेगा, देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को यानी जो लड़की जन्म लेने से पहले ही उनको समझ पा रहे होंगे क्या कर दिया जा रहा है, तो यही रीजन है यहाँ पे महिलाओं की लिंग अनुपात पुरुषों की अपेक्षा हमेशा से कम रही है, और 1951 से यहाँ देख सकते हैं 2011 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है कि एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को ही जनगणना कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल कहने का मतलब भारत में जो एक समय अंतराल लिया गया है 10 वर्ष का है। 10 वर्ष के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों का गणना होता है, जिनमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या निर्धारित होती है उसको लिंग अनुपात कहते हैं, और उसी के आधार पर जनगणना होता है, ठीक है ना। और भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी, यानी इसकी शुरुआत 1872, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, 1872 में शुरुआत करी गई थी, लेकिन 1881 में यह संपूर्ण जनगणना की गई थी। और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 10 साल पे 10 ईयर्स पे आपका क्या होता है, जनगणना होता है, यही नहीं होता है कि जनगणना बार बार होता है, यानी 10 ईयर्स पे, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए हमें अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।